स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं इवनिंग कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे लेक्चर मॉर्निंग में देखने वाले हैं। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इवनिंग है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप में से कई बच्चों की कंप्लेंट आई कि बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज थी। दिस टाइम अराउंड वी हैव इंप्रूव्ड आवर क्वालिटी एंड आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों को तकलीफ का सामना कम करना पड़ेगा। हमारे लिए भी ये फॉर्मेट नया है, सो आई होप आप लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो क्वालिटी के रिगार्डिंग थोड़े बहुत इशूज थे बट दे आर रिजॉल्व नाउ, सो होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए ज्यादा एंजॉयबल होगा। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक शुरू करवाया था, मैं आपको उसका एक ब्रीफ रिविजन दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस समझाया। ए और बी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सी सुनता है और जाके डी को सुनाता है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। एक और गुरु मंत्र दिया आप लोगों को कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट टेंस में होता है। कई सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हमने पिछले लेक्चर में और लेवल वन के बेसिक सेंटेंसेस हमने सॉल्व किए। उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में, मेजॉरिटी जो बातचीत होती है बेटा वो क्वेश्चन आंसर सेटअप पे होती है, Q&A पे होती है। अब उसके तहत आने वाले सेंटेंसेस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दो टाइप डिस्कस किए, जनरल क्वेश्चंस एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस जहां पे जवाब हाँ या ना में मिलता है, जिनकी हमेशा रचना हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, मे, इन सब से होती है। जबकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिनकी रचना WH वर्ड से होती है, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, व्होम, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनते हैं। पिछले लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा मैंने आप लोगों को एक सजेशन भी दिया था कि 4-5 सेंटेंसेस जनरल क्वेश्चंस के और स्पेसिफिक क्वेश्चन के बना के देखें ताकि आपको पता चले क्या फर्क है दोनों में। आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं लेवल 2, बहुत जल्द आएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ बेसिक एग्जांपल्स आप लोगों को पहले करवाऊंगा। मैं इस लेक्चर के सेकेंड हाफ में मैं आप लोगों को लेवल 2 के सेंटेंसेस भी शुरू करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस आपके सामने है, सागर सेड टू संध्या, आर यू वेटिंग फॉर समवन? नाउ मैंने बोला ना बेटा, हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है, उसी फंडे को फॉलो करिए। ये इंटरोगेशन मार्क ही बता देता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करते वक्त एक्सप्रेशंस बदलते हैं। जब आपको ये क्वेश्चन मार्क दिखे तो आप 3 तरह के एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हैं, आस्क्ड, क्वेश्चन इंक्वायर। इन 3 में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन आस्क्ड है। अब आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सागर, हम याद करिए पिछले लेक्चर में जितने भी सेंटेंसेस सॉल्व किए थे वहां पे हम टोल्ड यूज कर रहे थे बेटा, अब यहां पे टोल्ड नहीं, आस्क्ड आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सागर आस्क्ड संध्या। अब ध्यान से देखिएगा बेटा हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, कौन सा सेंटेंस है, आर यू वेटिंग फॉर समवन इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव में कौन सी टाइप है? ये जनरल क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ और इसका आंसर यस या नो में मिलने वाला है। सागर आज संध्या, तो यहां पे हम दैट के बजाय यूज करेंगे इफ। वैसे आप चाहें तो वेदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटा वेदर 2 तरह के होते हैं, एक मौसम वाला वेदर भी होता है, और गलती से अगर वाले वेदर की जगह मौसम वाला वेदर लग गया तो हमारा मार्क्स चले जाएंगे। तो रिस्क लेने का नहीं, यूज करिए इफ। इफ क्यों यूज कर रहे हैं, इसके पीछे भी पर्पज है बेटा, क्योंकि जवाब हां में भी मिल सकता है और ना में भी मिल सकता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इफ। सागर आज संध्या इफ। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे देख लीजिएगा, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट में बदलता है। नाउ व्हेन आई वाज अ किड आई वाज टोल्ड इन अ वेरी इजी मैनर कि कैसे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक असर्टिव यानी नॉर्मल सेंटेंस बनाया जाए। बस
नाउन को आगे ले आओ, दैट्स इट। ये यू बेटा किसके लिए यूज हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं संध्या के लिए, ठीक है। सो संध्या क्योंकि एक लड़की है, इफ शी, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा होती है पास्ट टेंस में, सो कन्वर्जन होगा शुरू, इफ शी वॉज वेटिंग फॉर समवन, और हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही दो तीन और एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये पहला एग्जाम्पल था इंट्रोगेटिव का, एग्जाम्पल नंबर टू ध्यान से देखिएगा। राकेश सेड टू अदिति, Have you seen my bag? Rakesh said to Aditi, Have you seen my bag? अब इसको reported speech में convert करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। Rakesh asked Aditi, ध्यान से देखिए कौन सा sentence है बेटा, interrogative में general question, क्योंकि helping verb से शुरू हुआ है। So if ये यू किसके लिए यूज हुआ है बेटा, अदिति के लिए। सो शी हैव का पास्ट टेंस, हैड सीन, ये माय राकेश का है। सो इफ शी हैड सीन हिज बैक, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, धीरज सेट टू अंजू, क्या कहा धीरज ने अंजू से, कहना है बोरो योर बुक्स, क्या मैं तुम्हारी किताबें उधार में ले सकता हूं। अब आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, धीरज आस्ट अंजू इफ, ये आई जो है धीरज का है, सो ही कैन का पास्ट टेंस, कुड बोरो, ये योर जो है ये इस्तेमाल हुआ है अंजू के लिए, बोरो हर बुक्स, ठीक है बेटा। तीन एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के सामने अभी भी सॉल्व किए हैं, आपके पास लगभग अराउंड 30 सेकंड्स का टाइम है, वीडियो आपके लिए स्ट्रीम हो रहा है, पॉज करके इसको आप नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। थैंक यू। स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी तक आपको मैंने जनरल क्वेश्चंस के एग्जांपल्स करवा दिए, अब बारी आती है स्पेसिफिक क्वेश्चंस की। आइए स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, रौनक सेट टू कविता, What are you doing here? आप यहां पे क्या कर रहे हो? अब ध्यान से देखिएगा, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, WH से शुरू हुआ है, और जब आप इसका आंसर लिखने जाएंगे तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा।
अब आइए इसको हम सॉल्व करें। रौनक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एक्सप्रेशन आएगा आस्ट, कविता। अब एक चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा बेटा, जब भी आप स्पेसिफिक सेंटेंसेस सॉल्व कर रहे हैं तो दैट और इफ का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हमें क्वेश्चन में से आंसर क्रिएट करना है। तो ये जो व्हाट है ना बेटा, ऊपर दिख रहा है, वो सीधा नीचे आ जाएगा। व्हाट, ये यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कविता के लिए। सो व्हाट शी वाज डूइंग, हेयर का हो जाएगा देन, दैट्स इट, इट्स दैट इजी। एक और एग्जांपल आपको करवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एंड्रयू सेड टू मैथ्यू, व्हाई आर यू अपसेट टुडे, व्हाई आर यू अपसेट टुडे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एंड्रयू आस्ट मैथ्यू, ये वाई का सेम टू सेम यहां आ जाएगा, इफ और देट दोनों नहीं। वाई, अब यहां पे दोनों लड़के हैं सेंटेंस के अंदर, सो ही वॉज अपसेट दैट डे। एक और सेंटेंस करवा देता हूं आप लोगों को बेटा, नंबर थ्री। कमलेश सेड टू हिमानी, When will you return my books? अब इसको ट्रांसफॉर्म करें तो कैसे होगा, कमलेश आस्ट हिमानी when, ये यू हिमानी के लिए यूज हुआ बेटा, सो शी विल का पास्ट वुड, रिटर्न हिज बुक्स। ठीक है बेटा, तो आपके सामने मैंने तीन सेंटेंसेस रख दिए हैं जो के स्पेसिफिक क्वेश्चंस के हैं। अगेन आपको 15 सेकेंड्स का पॉज दे रहा हूं बेटा, इसको भी आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ये स्पेसिफिक वाले सेंटेंसेस हैं। इसके पहले मैंने आपको जनरल वाले करवाए थे। ठीक है बेटा, सो वी आर टेकिंग अ 15 मिनट्स पॉज। बेटा इसी के साथ आपका लेवल 1 यहां पे बेटा खत्म हो जाता है, वी आर मूविंग अहेड टू लेवल 2। अब व्हाट अवेट्स यू एट लेवल 2? लेवल 1 में आपने देखा हमने सिंगल सिंगल सेंटेंसेस किए थे, लेवल 2 में कॉन्वर्सेशंस आएंगे, बातचीत आएगी, क्योंकि जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होता कि सिर्फ सवाल हो, सवाल होंगे तो जवाब भी होंगे। आइए शुरू करते हैं। Andrew said to Matthew, I
आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन यू कंप्लीट माई वर्क? ध्यान से देखिएगा, एंड्रयू सेड टू मैथ्यू, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कैन यू कंप्लीट माई वर्क? दो सेंटेंस एक ही में आ गए, लेकिन यहां तक रुकता नहीं, अब इसको मैथ्यू रिस्पॉन्ड भी करेगा. मैथ्यू सेड टू एंड्रयू, यस आई विल कंप्लीट योर वर्क. तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स डैम इजी, बहुत आसान है. ध्यान से देखिएगा, एंड्रयू, अब ऊपर वाले कॉन्वर्सेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला एक असर्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. फिर दूसरे में क्वेश्चन आया है, ठीक है, दो सेंटेंसेस है यहां पर, फुल स्टॉप आपको सबको दिख रहा होगा. So, पहले में तो सिंपल जाएगा, एंड्रयू टोल्ड मैथ्यू दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, उसको अच्छा नहीं लग रहा है. अब उसने दूसरा सवाल किया है, एंड Asked, अब देखिए वो जो सवाल पूछा है, कैन यू कंप्लीट माय वर्क, वो जनरल क्वेश्चन है. ओके, सो इफ का इस्तेमाल होगा, इफ ही कैन का हो जाएगा कुड, इफ ही कुड कंप्लीट हिज वर्क. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. पहला सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है. सो एंड्रयू टोल्ड मैथ्यू दैट ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, यहां पे पहला पार्ट खत्म होता है, दूसरा पार्ट यहां आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला, एंड आस्क्ड इफ ही कुड कंप्लीट हिज वर्क. अब यहां तक आपके लेवल वन के जैसा मिलता जुलता है, यहां से आगे का लेवल टू शुरू होता है जब उसका जवाब मिलना शुरू होता है. तो सवाल का जवाब दिया मैथ्यू ने, बराबर, टू दिस मैथ्यू रिप्लाइड, सवाल का जवाब दिया बेटा, रिप्लाइड यूज कर सकते हैं या फिर आप उसकी जगह पर आंसर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों वैलिड रहेंगे. आप चाहें तो रिप्लाइड यूज करें, आप चाहें तो आंसर्ड यूज करें, ये दोनों आपके ऊपर रहेगा. अब जवाब हां में दिया कि ना में दिया, देखो ध्यान से बेटा, ये रहा हमारा जवाब, ये जवाब हां है. सो रिप्लाइड पॉजिटिवली. याद रखिएगा बेटा एक चीज बहुत खास, जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच लिख रहे हैं तो एक्सप्रेशंस आते हैं, मतलब यस या नो की बजाय पॉजिटिवली या नेगेटिवली इस्तेमाल होगा. ओके, टू दिस मैथ्यू रिप्लाइड पॉजिटिवली, और उसके बाद उसने क्या कहा, मैं तुम्हारा काम करूंगा. And told that he will का past tense, would complete his work. तो ये वाला upper part वाला पूरा हिस्सा question है, और उसके नीचे पूरा का पूरा उसका आंसर है. ये आपका लेवल टू है बेटा, ऐसे कई सारे हमारे एग्जांपल्स हमको करने हैं. आपको मैं 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूं, ये कॉपी कर लीजिए. Thank you.
लेवल टू का दूसरा एग्जाम्पल विनोद सेड टू अदिति आई एम गोइंग टू द मार्केट डू यू नीड एनीथिंग विनोद सेड टू अदिति आई एम गोइंग टू द मार्केट डू यू नीड एनीथिंग अब अदिति उसका रिस्पॉन्स देगी Aditi said to Vinod, "Yes, I need some fruits." Okay, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। आप अपना आंसर खुद ही क्रिएट कर सकते हैं बेटा। मेरे दो गोल्डन कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, हमेशा याद रखिएगा। हर सवाल का जवाब उसी सवाल में छुपा होता है। दूसरा, जब भी ग्रामर सॉल्व करे मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये दो फंडे अगर आपके क्लियर हैं, आपको ग्रामर में कभी कोई पंगा नहीं आएगा बेटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका आंसर कैसे बनता है? विनोद टोल्ड अदिति, पहला वाला हिस्सा जो है ये हिस्सा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, एक असर्टिव सेंटेंस है, ओके, अदिति दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, आपके दिमाग में क्वेश्चन पक्का उठ रहा होगा कि सर मैं दो तीन बार इस्तेमाल किया है शब्द असर्टिव सेंटेंस। आपका एक टॉपिक भी आता है इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अब ये बहुत थोड़ी सी व्यथा वाली चीज है कि हम 12 तक पहुंच चुके हैं लेकिन हमें असर्टिव की जानकारी नहीं है। सेंटेंसेस तीन टाइप के होते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव। साधारण भाषा में कहूं, जो इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी नहीं है वो असर्टिव है, समझे बेटा? तो कोई भी जनरल नॉर्मल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये कोई हवा नहीं है, कोई डरावनी चीज नहीं है, कोई भूत पिशाच नहीं है जिसके नाम से आप डर जाते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बेटा। ओके, विनोद टोल्ड अदिति दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट, उसके बाद उसने सवाल किया है एंड आस्क्ड, क्योंकि अब ये जनरल क्वेश्चन है सो यूज होगा इफ। ये यू जो है बेटा वो अदिति के लिए यूज हुआ है, सो शी नीड का पास्ट टेंस नीडेड, If she needed anything, अब अदिति ने उसका रिस्पॉन्स भी दिया है टू दिस अदिति replied, जवाब हां में दिया है बेटा, देखो ध्यान से, ये रहा replied positively and told that I, अदिति के लिए, so she need का needed past tense के तौर पे, ठीक से लिख देता हूं थोड़ा, she needed some fruits, यहां पे हो जाता है ये conversation खत्म। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं फिर से आप लोगों को हाईलाइट करवा देता हूं। ये लेवल टू का कॉन्वर्सेशन है, यहां पर आप देख सकते हैं हमने लेवल वन में सिंगल सिंगल सेंटेंस सॉल्व करना शुरू किए थे। लेवल टू में सवाल है और उनके जवाब है। लेवल थ्री में इसका भी बड़ा लेवल आएगा, अब दो सवाल दो जवाब। लेवल फोर में तीन सवाल तीन जवाब और टेक्स्ट बुक में आने वाले कॉन्वर्सेशन भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका टॉपिक चार लेवल में खत्म होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कोई वर्कशीट नहीं दी थी, आज के लेक्चर में आप लोगों के साथ एक वर्कशीट भी भिजवा रहा हूं। बेटा आप इसको भी सॉल्व करिए, इनको इस वीडियो को भी देखिए, वर्कशीट को भी सॉल्व करिए। किसी भी तरह का कोई डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम कुछ भी आपके दिमाग में है, प्लीज
उसको अपने तक मत रखिए, वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। आज मैं आपको एक मजेदार चीज सुनाता हूँ। आप कभी भी गुजरात के किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अक्सर आप लोग देखेंगे कि मुखवास के तौर पे आपको वो सौफ यानी वरियाली देते हैं। आपने कभी सोचा वो क्यों देते हैं? मैं आपको बताता हूँ, गुजरात का कल्चर आपने देखा है, हम लोग रेस्टोरेंट में मुखवास ऐसे खाते हैं कि मुखवास ही खाने गए हो, एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, पूरी मुट्ठी भर जाए इतना मुखवास लेते हैं और फिर हनुमान जी जैसा मुंह बना लेते हैं और वो मुखवास चबाना शुरू करते हैं। और उसके दौरान होता क्या है, वो वरियाली का, वो सौफ का एक छोटा सा तिनका पीछे की दाढ़ में जाके फंस जाता है और फिर हमारी मजूरी शुरू, घुमाना शुरू कर देते हैं। जब तक वो वहां से निकल नहीं जाता, हमारा किसी और चीज पे फोकस नहीं होता। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो? बेटा एक स्टूडेंट के लिए डाउट जो है ना, वही वरियाली है जो दिमाग में फंस गई है। अगर वो क्वेरी सॉल्व नहीं हुई ना बेटा, तो टॉपिक आपको इरिटेट करता रहेगा। तो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करिए। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इट्स 9825171058। डाउट्स का कॉन्सेप्ट संदीप सर ने आप लोगों को ऑडियो पे भी समझाया है कि आपको जो वर्कशीट में भेज रहा हूँ उसमें जो भी डाउट्स हैं, जो भी समझ में नहीं आते हैं, सारे सॉल्व कर लीजिए। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं वो आए पेपर में नोट डाउन करिए, उसको ग्रुप में अपलोड कर दीजिए। आप आज के लेक्चर के डाउट्स आज रात को डालेंगे, कल रात तक मैं उनका आंसर, उनका सॉल्यूशन आप लोगों को भेज दूंगा। बेटा कोरोना वायरस के चलते हम सब लोग लॉकडाउन स्थिति में हैं, लॉकडाउन कितना जाएगा हम में से किसी को नहीं पता है, लेकिन स्टडीज रुकेंगी नहीं। प्रयत्न एजुकेशन एंड SPGT, ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर जो हमारा कॉम्बो बनाया है प्रयत्न SPGT, वो हमेशा आपके लिए काम करता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल और फ्रूटफुल रहा होगा। स्पेशल थैंक्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो बैकग्राउंड नॉइस की कंप्लेन की थी। आप इसी तरह से हमारी जो भी क्वेरीज हो, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हो, हमें ध्यान पे लाया करें ताकि हम उनका सॉल्यूशन कर सकें। अल्टीमेट मकसद यही है कि आप कुछ अच्छा सीखें, कुछ इंपॉर्टेंट सीखें। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। माय सेल्फ अशोक निगनानी, योर इंग्लिश फैकल्टी। बाय फॉर नाउ।